ओके आज मैं आपको बताऊंगा सीरेटोनिन सिंड्रोम के बारे में कि बेसिकली ये होता क्या है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। क्या है सीरेटोनिन सिंड्रोम? सीरेटोनिन क्या होता है? सीरेटोनिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इन्फॉर्मेशंस को एक नर्व से दूसरे नर्व सेल्स तक ले जाता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ये इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, हैप्पी हार्मोन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये हार्मोन सीरेटोनिन, इसी का एक और डेरिवेटिव्स है जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है, उसको मेलेटोनिन बोलते हैं। सीरेटोनिन का ही डेरिवेटिव है मेलेटोनिन जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है, वो भी आपके सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी हार्मोन है। इसी तरह से सीरेटोनिन क्या करता है? ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है, ये आपको खुश रखने का काम करता है। आपका मूड जो है, ये मूड हार्मोन है, आपका मन एकदम हल्का रहेगा, आपको मन खुश रहेगा सीरेटोनिन का लेवल यदि ज़्यादा है। यदि इसका लेवल कम हो जाता है, जैसे जिन लोगों की लाइफ स्टाइल ख़राब है, रात भर चाय पीना, दिन भर चाय पीना, धूप में नहीं रहते, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल है ना के बराबर है, बाहर का फूड खाते हैं हमेशा, फल फ्रूट्स कभी नहीं खाते, सलाद्स कभी नहीं खाते, हमेशा बाहर का ऑयली स्पाइसी चीज़ें खाते रहते हैं, तो उन लोगों में सीरेटोनिन की मात्रा कम होने लगती है धीरे धीरे। तो ऐसे मरीजों में, ऐसे लोगों में सीरेटोनिन का लेवल क्या होने लगता है? कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमें फिर सिम्टम्स क्या आने लगते हैं? मूड डिसऑर्डर वाले सिम्टम्स आने लगते हैं, पैनिक अटैक होने लगे, कभी भी डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे, है ना, इस तरीके के सिम्टम्स आने लगते हैं। आपसे वही बार बार चीज़ करेंगे, जो चीज़ कर एक बार कर लिया उसको फिर से करेंगे, क्योंकि भूल जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस की स्थिति आ जाती है, बार बार भूलना। तो ये सीरेटोनिन का लेवल कम होने की वजह से होता है। जैसे सबसे कॉमन सिम्टम्स है सीरेटोनिन कम होने की वजह से, वो है डिप्रेशन। आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, क्या सीरेटोनिन कम होगा तो क्या होगा? आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, आप चुपचाप अकेले बैठ के ही अपने आप से ही बातें करते रहोगे। दूसरा क्या है जो कॉमन देखा गया है? OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है इससे। और पैनिक अटैक आने लगेंगे, आप डरेंगे एक एक चीज़ को, ज़रा सा भी आट आ जाएगी कहीं से आप डर जाएंगे, छोटी चीज़ों को आप बहुत बड़ा कर करके बोलेंगे, देखेंगे उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, ये चीज़ होने लगती है। इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, प्लांट बेस्ड डाइट और डेली एक्सरसाइज, और कम से कम इनमें 25 से 30 मिनट तक धूप में रहना। धूप में रहते हैं तो विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, और धूप के बहुत सारे फायदे हैं इनडायरेक्टली, तब इसका लेवल मेंटेन रहेगा। सीरेटोनिन का लेवल ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें बढ़ता है? तो सीरेटोनिन का लेवल जनरली जो है, तो ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा एलोपैथिक ड्रग दवाइयाँ खाते हैं, ज़रा ज़रा सी बात के लिए जो एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, वो दवाइयाँ स्पेशली जो सीरेटोनिन को के रीअपटेक को, उसके एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं, इनहिबिट करती हैं, ऐसी दवाइयाँ, तो जितनी भी, जैसे आपको ये सिम्टम्स हुए, आप घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, डर जाना, पैनिक अटैक हो रहे हैं, भूलने की बीमारी है, टेंशन है, नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया, किसी भी कंप्लेन को लेके यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जनरली आपको क्या देता है? ये न्यूरोफिजिशियन या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो जनरली आपको क्या देगा? वो एंटी एंजाइटी ड्रग देगा, एंटी डिप्रेशेंट ड्रग देगा, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है, तो सीरेटोनिन सिंड्रोम डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो सारी दवाइयाँ कहीं ना कहीं इसके एब्जॉर्प्शन को जो है इनहिबिट करती हैं, जिससे आपके बॉडी में सीरेटोनिन की मात्रा बढ़ती है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको लेने से सीरेटोनिन का लेवल बढ़ता है और हम सीरेटोनिन सिंड्रोम में जा सकते हैं। तो पहला है, पहले ग्रुप की मेडिसिन है SSRI, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव सीरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर्स, क्योंकि यदि आप डिप्रेशन का सिम्टम्स लेके गए हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए गए हैं, यदि आपको पैनिक अटैक आते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर ये समझ रहा है कि आपके बॉडी में सीरेटोनिन का लेवल कम है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए? तो इसके एब्जॉर्प्शन को, सीरेटोनिन के लेवल को जो भी बॉडी में, उसके एब्जॉर्प्शन को क्या करना है? इनहिबिट करना है, जिससे उसका लेवल बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह की दवाइयाँ देते हैं डिप्रेशन में, जनरली जो यूज होती हैं
वो है क्या, सेलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर्स। जैसे आपने देखा होगा कि यदि आप खा रहे हैं तो आप अपने पर्चे में देखना कि ब्रांड नेम अलग होता है, मॉलिक्यूल नेम अलग होता है, पर्चे में लिखा क्या रहता है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है उस पर्चे में। तो उसमें यदि लिखा हो इस तरह के नाम आएंगे आपको जनरली, ये दवाइयां यूज होती हैं, सिटैलोप्राम, सिटैलोप्राम ये एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन है जो डिप्रेशन में डॉक्टर देते हैं जनरली, न्यूरो फिजिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं, एसिटालोप्राम, एसिटालो, एक तीसरी दवाई है फ्लुक्जिटीन, कौन सी है फ्लुक्जिटीन, और एक दवाई है फ्लुआक्सामाइन, कौन सी है फ्लुआक्सामाइन, और नेक्स्ट है सर्टालीन। इस तरह की दवाइयाँ हैं जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में जो है तो दी जाती हैं, डिप्रेशन में दी जाती हैं। ये क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं जो सेरोटोनिन के रीअपटेक को या उसके अब्जॉर्प्शन को जो है तो कम करती हैं, इनहिबिट करती हैं। वो कौन सी दवाइयाँ हैं, ये हैं। दूसरा आती है एसएनआरआई, सेलेक्ट सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। क्या होती है, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसमें क्या होता है, डेसबेनलाफेक्जीन, कौन सी दवाई है, डेसबेनलाफेक्जीन, बेनलाफेक्जीन, एंड तीसरी मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा यूज होती है डुलाग्जिटीन, कौन सी डुलाग्जिटीन। ये कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपके शरीर में सेरोटोनिन के साथ साथ नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट्स करती हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, कौन सी दवाइयाँ होती हैं मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, आइसोकार्बाजिड, फिनालजीन और ट्रेनिल सिप्रामाइन, ये कॉमनली यूज होती हैं मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में। इसके अलावा और बहुत सारी दवाइयां हैं जैसे एंजाइटी में जनरली डॉक्टर यूज करते हैं जिनसे सेरोटोनिन बढ़ता है, वो कौन सी है, बुस्पिरोन, और दूसरी दवाई कौन सी है, ट्रेजाडोन, कौन सी है, एट्रेजाडोन जनरली इंसोमनिया और डिप्रेशन में यूज करते हैं सबसे ज़्यादा, कौन सी ट्रेजाडोन। अब इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं तो कुछ माइग्रेन जिनको सरदर्द बना रहता है, पीरियाडिक सरदर्द होता रहता है, उल्टी के साथ में सरदर्द होता है, तो सरदर्द और उल्टी में यूज होने वाली दवाइयाँ भी आपको सेरोटोनिन सिंड्रोम में ले जाके रख सकती हैं, उनकी वजह से भी सेरोटोनिन का लेवल बॉडी में बढ़ता है। जैसे एंटी माइग्रेन मेडिसिन जो है ना, एंटी माइग्रेन जो मेडिसिन होती हैं वो कौन सी दवाइयां हैं एंटी माइग्रेन में, एमलोट्रिप्टान, नैराट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान एंड सोमाट्रिप्टान। जो लोग ये दवाइयां ज़्यादा खाते हैं सर दर्द के लिए, माइग्रेन की मेडिसिन ज़्यादा खाते हैं, उनको ये सेरोटोनिन सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाता है। और कौन सी दवाइयां हैं जिनकी वजह से आपके ब्लड बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ सकता है, जो जनरली कप मेडिकेशन जैसे डेक्स्ट्रा मेथारफोन, कोई भी सिरप लोगे ये कॉमन दवाई है, डेक्स्ट्रा मेथारफोन उसमें रहेगा, कप सप्रेसेंट है ये। तो जो लोग ज़्यादातर कप के लिए ये सिरप पीते रहते हैं तो उनमें भी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, कप मेडिकेशन। इसके बाद कुछ पेन किलर हैं, आपको कहीं चोट लग गई है कि कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप पेन जो है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इवन दो कई बार उनको कंटिन्यू पैच लगा के रखना पड़ता है शरीर में, अब बहुत लंबे समय तक, एक डोज दो डोज नहीं, जो लोग बहुत लंबे समय तक जो है तो दवाइयां लेते रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। जैसे वो दवाइयाँ हैं फेंटानिल सिट्रेट एंड ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड, कौन सी दवाइयाँ, खांसी में कुछ एंटीएमाइटिक ड्रग्स होती हैं, एंटीएमाइटिक ड्रग्स जैसे मेटाक्लोप्रामाइड, रेगलान, इसका जो फेमस ब्रांड नेम है क्या है, रेगलान। कहीं भी कुछ भी हुआ, उल्टी हुआ, अपन क्या ले लेते हैं, रेगलान का सिरप या रेगलान की टेबलेट या रेगलान का इंजेक्शन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। दूसरा हो गया इमसेट, सबसे फेमस ब्रांड नेम है ये इमसेट,
क्या है इसके अंदर? ओंडेंसेट्रॉन। क्या है? ओंडेंसेट्रॉन। ये भी सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है आपके शरीर में, जिसकी वजह से आपको सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एलएसडी चाय काफी आप ज्यादा लेते हैं, चाय एंड काफी यदि आप ज्यादा लेते हैं तो आप सेरोटोनिन सिंड्रोम के शिकार हो सकते हैं। अच्छा, सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम में, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इसमें क्या होगा कि रैपिड हार्ट रेट, ये ऑटोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो रैपिड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपको, फीवर हो जाएगा, बहुत तेज बुखार आ जाएगा। क्या आएगा? फीवर आएगा। इसके बाद और क्या हो सकता है? हाइपर रिफ्लेक्जिया, क्लोनस, आपके रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे, हाइपर रिफ्लेक्जिया जिसको बोलते हैं क्लोनस। और क्या हो सकता है? हाइपर वेंटिलेशन, रैपिड हार्ट रेट के साथ में रैपिड रेस्पिरेटरी रेट हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ जाएगा। डाइफोरोसिस होगा, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होगी पूरे शरीर में, आप मसल रिजिडिटी, ट्रेमर्स भी आ सकते हैं, है ना। इवन दो इसके आर्गन पे यदि और दूसरे साइड इफेक्ट देखें तो किडनी फेलियर के साथ में आप कोमा में भी जा सकते हैं। इवन दो यदि सेरोटोनिन सिंड्रोम आपके बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल सबसे ज़्यादा है तो डेथ भी हो सकती है। कई बार आपने सुना होगा कि जब आप हॉस्पिटल में देखेंगे तो पेशेंट इस तरह की हिस्ट्री देता है कि कल तक तो बढ़िया थे, आज उठे ही नहीं, है ना। तो यही होता है, जो लंबे समय तक पेन किलर लेते रहते हैं, खांसी की दवाइयाँ लेते रहते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग लेते रहते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग लेते रहते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग लेते रहते हैं, इंसोमनिया के लिए जो दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो उनके अंदर इतना केमिकल चेंजेज आ जाता है, इतना केमिकल चेंजेज आ जाता है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। रात में यदि वो सोए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि सुबह उनकी नींद खुले, इतने घातक साइड इफेक्ट होते हैं। पेशेंट अपनी बीमारी से नहीं बल्कि ओवर ट्रीटमेंट की वजह से कई बार निकल लेते हैं। तो इसलिए इन दवाइयों से, क्योंकि हेल्थ आपको केमिकल से नहीं मिलेगा, हेल्थ डज नॉट कम फ्रॉम ओनली केमिकल। केमिकल क्या करेगा, आप कितनी दवाइयाँ देंगे, अंदर के मैकेनिज्म को आप आउटसाइड के केमिकल से नहीं बैलेंस कर सकते। यू कैन नॉट बैलेंस इनर एनवायरनमेंट फ्रॉम आउटसाइड केमिकल। आप आउटसाइड के केमिकल, बिकॉज क्या होता है कि अपने जो शरीर में जो केमिकल्स निकलते हैं, जो अंगों से रसायन निकलते हैं, वही लाइफ के कैलिब्रेशन में मदद करते हैं। और अपने अंगों का, अपनी भौतिक संरचना का, अपने अंगों का आपकी मानसिक संरचना से बड़ा गहरा संबंध होता है। ऐसा नहीं है कि अंग कुछ और कुछ अलग तरीके से काम करेंगे और आपके सोच विचार कुछ अलग तरीके से काम करेंगे। जैसे आपके सोच विचार होंगे उसी हिसाब से आपके अंग जो है तो काम करेंगे। सपोज आप तालाब के किनारे बैठे हैं तो आपके सोच विचार अलग होंगे और आपके अंगों के कार्य करने की जो शैली होगी अलग होगी, और रसायनों के निकालने, हार्मोन के निकालने, एंजाइम के निकालने का तरीका अलग होगा। आप मंदिर में हैं, वहाँ पर आपके सोच विचार अलग होंगे, अंगों के काम करने की शैली अलग होगी, रसायनों, अब वही अंग जो है रसायन निकालते हैं तो उनके रसायन निकालने, एंजाइम निकालने, हार्मोन निकालने का जो है तो तरीका अलग होगा, या तो कम निकालेंगे या ज़्यादा निकालेंगे। वही रसायन आपके लाइफ को कैलिब्रेट करते हैं, वही रसायन आपके लाइफ को संचालित करते हैं, बैलेंस स्टेट में रखते हैं। जैसे आप जंगल में हैं, जा रहे हैं, अचानक शेर की आवाज़ आ जाए, अंधेरा भी है, तो वहाँ आपके सोच विचार बदल जाएंगे, सोच विचार बदल जाएंगे, आपके अंगों के काम करने की जो है तो शैली अलग होगी, रसायन अलग निकलेंगे और आपका रिएक्शन अलग होगा। तो मन का आपके अंगों से बड़ा गहरा संबंध है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यदि कोई आपको सिम्टम्स आ रहा है तो मतलब केमिकल लेवल पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी में है। वो साइकोलॉजी जब तक आप करेक्ट नहीं करोगे डीपर लेवल पे, उस किस आदमी को कौन सा तनाव है, जीवन में कौन सी घटनाएँ घटी हैं, ऐसे क्या कारण है, ऐसे क्या इवेंट हुए हैं, ऐसे उसकी जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएँ घटी हैं, क्या चीज़ हुआ है जिसकी वजह से उसको ये सिम्टम्स आने लगे हैं, तो वो घटनाओं को समझ के, तुरंत के सिम्टम्स को समझ के यदि दवाई देते हैं तो पेशेंट पूरी तरह सिक्योर हो जाता है, बहुत जल्दी उसको ज़िंदगी भर दवाई नहीं खानी पड़ती। लेकिन वो घटनाएँ उसके दिमाग में हैं, अभी भी बनी हुई हैं, वो घाव भरा नहीं है उन घटनाओं का। अब आप अकेले ये समझ रहे हैं कि ये केमिकल्स की कमी की वजह से हो रहा है, ये जो जितने सारी में दवाइयाँ बताया उसको जो तकलीफ हो रही है इन दवाइयों की कमी की वजह से हो रही है, वो आप ये दवाइयाँ खाते हैं तो होगा क्या कि ये दवाइयाँ कभी ज़िंदगी में तो बंद नहीं होंगी बल्कि इनका डोज बढ़ता चला जाएगा। जितना साल इलाज लेंगे तो जिस बीमारी के लिए आप गए हैं वो बीमारी के साथ साथ हर दो साल में एक नई बीमारी आपको ऐड होने लगेगी। पेशेंट आके बोलते हैं यहाँ
कि पहले एक दवाई से स्टार्ट किया था, एक बार खाते थे, अब दो दवाई चालू कर दिया डॉक्टर ने, अब तीन दवाई चालू कर दिया, अब तीनों टाइम खिला रहा है, इसके बावजूद भी मैं परेशान ही हूँ, अभी भी नींद नहीं आ रही, अभी भी मेरा मन हल्का नहीं रहता। ऐसे पेशेंट्स जो हमेशा एंटी साइकोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में रहते हैं, वो हमेशा एकदम धीमे 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 पूरा उनका सोचने समझने का नज़रिया चेंज हो जाता है, पूरा एकदम सुस्त ड्राउजी, उनका इंटेलेक्चुअल फैकल्टी जो है तो पूरा डाउन रहता है, टोटल नशे में रहते हैं दवाई में, और इतना डिपेंडेंट बना देती हैं ये दवाइयाँ आपको कि आप दवाई छोड़ नहीं सकते, इतना डिपेंडेंट बना देती हैं, यदि छोड़ेंगे तो उसके सिम्टम्स वर्स होने लगते हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि हम पूरी तरह से इन दवाइयों से फ्री रहें और इस तरह की जैसे तकलीफें होती हैं कभी हम अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खाएं, तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको अच्छे होम्योपैथ से संपर्क करना है, वो आपको यदि ये दवाइयाँ चल भी रही हैं तो उसको धीरे धीरे वो कम करेगा, अपनी दवाई जो है तो चालू करेगा, जैसे ही उसकी दवाइयों का असर आना चालू हो जाएगा वो दवाइयाँ टोटल बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि होम्योपैथिक दवाई पे आप रहेंगे और कुछ समय बाद आप होम्योपैथिक दवाई भी बंद कर देंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। दवाई के साथ साथ आपको अपनी लाइफ स्टाइल में और खाने पीने में भी चेंज करना है, क्योंकि हेल्थ अकेले केमिकल से नहीं आता, हेल्थ इज ए पार्ट ऑफ योर डाइट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, थिंक हेल्दी, लिव हेल्दी, बिहेव हेल्दी, एलॉन्ग विथ होलिस्टिक मेडिसिन लाइक होम्योपैथी, वेयर द डॉक्टर एड्रेस यू एज ए होल, नॉट जस्ट लाइक ए मोटर कार कि आप किडनी स्पेशलिस्ट के पास चले गए, ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास चले गए, हार्ट स्पेशलिस्ट, यू आर नॉट ए मशीन, यू आर नॉट असेंबल विथ डिफरेंट पार्ट, यू आर ए लाइफ, यू आर ए ह्यूमन बींग, वी आर नॉट डीलिंग विथ मशीन, वी आर डीलिंग विथ द लाइफ, वी आर डीलिंग विथ द ह्यूमन मॉडल। तो ह्यूमन जो है हमेशा मन, तन और आत्मा से बना हुआ है, माइंड बॉडी एंड सोल का कॉम्बिनेशन है लाइफ। तो जब बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे सोच विचार, अपने आत्मा की लैंग्वेज कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से बॉडी पे उसका एक्सप्रेशन आ रहा है। यदि बॉडी के एक्सप्रेशन को ठीक करना है तो हमें उस व्यक्ति को ही समझना पड़ेगा पूरा का पूरा। जब तक उसका मन का घाव नहीं भरेगा तो तन का घाव कैसे भरेगा, है ना। तो किसी भी व्यक्ति को यदि हमें ठीक करना है तो हमारी दवाई और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो एट द लेवल ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल का होना चाहिए। मतलब पेशेंट का जो सेंटर है, सेंट्रल डिस्टरबेंस, उस दवाई से मैच होना चाहिए। सेंटर ऑफ द पेशेंट हैज़ टू बी मैच विद द सेंटर ऑफ रेमेडी। यदि ऐसा आप ट्रीटमेंट लेते हैं और दो चार महीने छः महीने आप टिके रहते हैं तो आप बिल्कुल ही इन बीमारियों से, इन दवाइयों से छुटकारा पा लेंगे और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। मम्मी लेकिन मेरे को ही बुला रहा, मम्मी मेरे अंदर ही अंदर, मम्मी पता नहीं क्या हो रहा, मम्मी का छूना बोला मैं हम अच्छे, मम्मी मैं घर आऊ तो मम्मी कैसे हैं पहले से आप? पहले से मैं बहुत बढ़िया हूँ। किस चीज में क्या अच्छा लगा? मुझे मतलब पहले भारी भारी डराव सा घबराहट सी होती थी, जब मैंने मेडिसिन ली तो बढ़िया रिलैक्स रिलीव हुआ। कितने दिन से थी आपको तकलीफ? चार महीने से थी। क्या लगता था जब आपको डर लगता था उस समय? घबराहट उठती सी, बाहर भागने का मन करता था, रोना आता था। और फिर दवाई दिया तो बढ़िया हो गया, अभी मन अच्छा लगता है। हाँ, अब बढ़िया लगता है, हैप्पी हैप्पी फीलिंग। कोई टेंशन तो नहीं? कोई टेंशन, नींद आता? हाँ, नींद वगैरह बढ़िया आती, खाना पीना सब बढ़िया। किसी चीज का कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। तब से जब से आपका ट्रीटमेंट किया अभी लगभग 2-3 महीने हो गए? हाँ, 3 महीने हो गए। बताइए आप कैसे हैं पहले से? सर पहले से तो मैं बहुत सही हूँ। क्या क्या सही है, क्या तकलीफ थी पहले? आप पहले मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी सांस लेने में। हाँ। और हार्ट में पेन होता था बहुत तेज, जैसे कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। हाँ। अजीब अजीब सी बीमारियां होती थी। हाँ। दोस्तों के साथ कभी जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे नहीं बैठना है। हाँ।
घर पे जाके रहना है, 24 घंटे घर पे ही रहता था मैं, बाहर कभी नहीं निकला मैं। 5 से 6 महीने 1 साल हो गए मुझे, तो मैं बैठा ही रहा हूँ घर पे। वहां से ना निकलना होता था ना ही कहीं जाना होता था, सिर्फ खाता था और घर पे रहता था और फिर सो जाता था। और कभी कभार नींद में दिक्कत हो जाती थी तो 3 बजे रात को उठ जाता था, 2 बजे रात को उठ जाता था, फिर नींद नहीं आती थी मुझे, बहुत सारी परेशानी होती थी जी। मेरे साथ मतलब 3-4 बार ऐसा हो भी जाता था हर हफ्ते में। उसके बाद फिर कभी सांस लेने में दिक्कत होती थी, कभी गले में चॉकिंग हो जाती थी। हर वक्त मतलब यही लगता रहता था कि अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, सिर्फ यही सोचता रहता था कि अब क्या करूंगा आगे में, कुछ उसका रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या ऐसे ही निकल जाऊंगा, मतलब ऐसे ही मुझे कुछ हो जाएगा, या फिर मैं आगे क्या करूंगा, अब मेरी पूरी लाइफ वेस्ट हो चुकी है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था उसके अलावा। फिर उसके बाद फिर मैं आपके पास आया, पापा ने मुझे बताया कि ये डॉक्टर हैं, इनके पास चले जाओ और वो सारा ट्रीटमेंट तुम्हारा सब जो भी लेगा दिमाग का वो सब ले लेंगे। फिर मैं आपके पास आया, आपने मुझे बताया कि पूछा मुझसे कि क्या क्या दिक्कत है, जो किसी भी डॉक्टर ने नहीं पूछा, सिर्फ उनने देख के दवाई दी मुझे। और किसी ने मतलब ये नहीं पूछा कि आपको दिक्कत क्या, आपको परेशानी क्या, किसी ने समझने की कोशिश नहीं करी उस टाइम पे। बाकी सब लोगों को लग रहा था कि बाहर से ये नॉर्मल है तो अंदर से भी नॉर्मल ही होगा, लेकिन किसी ने ये अंदर से नहीं देखा कि मुझे दिमागी क्या दिक्कत है, मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, या ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस चीज का। लेकिन फिर मैं आपके पास आया तो आपने मेरा दिमाग का पूरा टेस्ट लिया, मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे कैसा लगता है, मुझे कैसा फील होता है। फिर आपने सब मुझे समझ के उस हिसाब से दवाई दी, फिर मैंने वो दवाई लेना चालू करी, और आज 3री बार मैं यहाँ पे आया हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दवाई का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए ना आप, दवाई मतलब का, दवाई खाने के बाद आपको लगा क्या अंदर? दवाई खा के मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मैंने दवाई खाई है, सिर्फ मैं खाने के बाद 4-5 मीठी गोली लेता था छोटी वाली, और वो खाता था, जो कि एक तरीके से दांत बढ़ाने की दवाई होती है, बचपन में किसी बच्चे को खिलाते हैं अपन, वो चीज मैं खाता था। और मुझे भी लगता नहीं था कि ये गोली खाने से मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन आज ये रिजल्ट मेरे सामने ही है, और ये ज्यादा नहीं सिर्फ 2 हफ्तों की कहानी है, 2 हफ्तों में मैंने इतना अंदर से कैसा फील हो रहा है आपको दवाई? अंदर से मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा। अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मैं एकदम से इतना जल्दी रिकवर हो गया कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब मैं बाहर भी निकल रहा हूँ, अच्छी तरीके से बैठ रहा हूँ दोस्तों के साथ में, उठ बैठ रहा हूँ, सारी बातें हो रही हैं, अब मुझे सब जगह अच्छा भी लग रहा है। पहले मुझे इतना बुरा लगता था कि जैसा मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेला रहूँ। अच्छा। मुझे अकेला रहना इतना ज़्यादा पसंद हो गया था कि मैं किसी से मिलता भी नहीं था, और मिलता था तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। बाहर निकलते थे मरने का डर बना रहता जी, मुझे बाहर निकलते टाइम पे ऐसा लगता था कि जैसे कि मेरे हार्ट में बहुत तेज पेन हो रहा है, और वो रियलिटी में हो रहा था, और ऐसा लगता था कि मुझे यहीं पे शायद से हार्ट अटैक आ जाएगा, और शायद से मैं बच पाऊँ या ना बच पाऊँ, मुझे घर कौन लेके जाएगा, मुझे हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा। मेरे दिमाग में ये सारे ख्याल आते रहते थे कि मुझे कहीं कुछ हो गया तो मैं इस टाइम पे इस सिचुएशन को कैसे फेस करूँगा। लेकिन अब ये दिमाग में कोई थॉट नहीं आते, ना ही कोई ख्याल आता है, सिर्फ अंदर से मुझे इतना अच्छा लगता है कि जैसे कि अब सब नॉर्मली होता जा रहा है। पहले से जैसे कि नींद की गोली मैंने खाई, और मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा होने लगा था प्रॉब्लम, जितना मुझे पहले नहीं हो रहा था एलोपैथी में। मैंने नींद की गोलियां ली और जो उनने दवाइयां दी थी अंग्रेजी वो खाई मैंने, मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला। 3 महीने तक मैंने वो दवाइयां ली, कंटिन्यू खाई, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत कुछ किया, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। अभी आपको अच्छा लग रहा है? अभी मुझे बहुत बेटर लग रहा है, नींद भी मेरी पूरी हो रही है, और ना ही मुझे कोई दिक्कत हो रही है। मैं बाहर भी निकल रहा हूँ, अच्छे से रह भी रहा हूँ, दोस्तों के साथ बैठ के हंस खेल रहा हूँ। पहले मुझे ये सारी चीजें एक तरीके से सपना लगती थी, लेकिन अब बहुत सही लग रहा है। सपना लगती थी मतलब? जैसे कि ये जो मुझे दिक्कत होती थी, मुझे ऐसा लगता था कि
ये कभी ठीक नहीं होगी। हाँ। मुझे जो लेकिन आज ये लग रहा है कि मुझे एक तरीके से सपना ही लग रहा है ये चीज के, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ। कि जैसे कि मैं पहले से ज्यादा ही रिकवर हो चुका हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें एक तरीके से सपना ही है, क्योंकि दो हफ्तों में कोई रिकवर नहीं हो सकता। जो तीन महीने की दवाई नहीं कर पाई वो दो महीने की, वही दो हफ्तों की दवाई में। कोई अंग्रेजी दवाई तो नहीं खा रहे हैं? अब मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, मेरे ट्रीटमेंट के दौरान कोई अंग्रेजी दवाई? आपके ट्रीटमेंट के अलावा मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है।